सो गाइस, आप सभी का स्वागत है आरएल क्राफ्ट के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, पिछले बार मैंने टावर लूटने की कोशिश की थी जिसमें मैं नाकामयाब हुआ था, पर इस बार मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मैं टावर लूट पाऊँ। पर उससे पहले यहाँ पे अभी अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही कर रहा था, उससे पहले एक रेड शुरू हुई थी जिसके मैंने क्लिप वैसे रिकॉर्ड की है, मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे तो उसमें थोड़े से मूव स्पॉन हुए हैं जिनमें से एक को हम शायद टेम कर सकते हैं। और उससे पहले, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको अला वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके, हाँ, तो मैं एक नए विलेज में शिफ्ट हुआ हूँ, शायद वो सारे के सारे डिस्पॉन हो गए लगता है। एक तो यहाँ पे ही था। नहीं है भाई, मैं उसको टेम कर सकता था, पर मैंने सोचा वीडियो में दिखा दे, सारे के सारे डिस्पॉन हो गए। तो अभी मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या हुआ। पिछली बार मैंने जो किया था, अगर आपको पता हो तो, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी बार मर के मैंने एक लास्ट विलेज ढूंढा था जो कि थोड़ा सा ठीक ठाक ही था, उसके पास ही में एक ड्रैगन था। तो फिर से मैंने वही चीज़ ट्राई की, तो देखो मैंने इतने सारे विलेज ढूंढे, और फाइनली इतने सारे विलेज ढूंढने के बाद मुझे ये एक अच्छा विलेज मिला जिसके पास कोई ड्रैगन नहीं है। वैसे ड्रैगन है पर वो ड्रैगन बाहर नहीं है, तो वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। वो टीयर 5 का ड्रैगन होता है, जो अंडरग्राउंड ड्रैगन होता है वो है यहाँ पे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये इसके अंदर ड्रैगन है। तो इसके अंदर टीयर 5 का ड्रैगन है, और इसकी पहचान ये एमरल्ड और ये गोल्ड के ब्लॉक्स होते हैं, इसके ऊपर लगे रहते हैं ओर्स के ब्लॉक्स। देखो मैं जब तक इस ड्रैगन को छेड़ूंगा नहीं, तब तक ये ड्रैगन यहाँ से बाहर तो नहीं आने वाला, तब तक हम सेफ है, और मैं अभी इसको छेड़ने वाला हूँ भी नहीं। तो ये रास्ता मैंने बनाया है आने जाने के लिए, और मैंने थोड़ी सी चीज़ें की थी। मेरा जितना भी सामान जो भी विलेज में था वो सब मैं लेके आ चुका हूँ। देखो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हैं, फिर ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से यहाँ पे लेके आ गया। इसको थोड़ा सा टाइम लगा था, और ये एक चीज़ मिली थी जो रीपर है, उसका ये क्लॉ मिला था मुझे, और ये तो इसको मैं वेलोसिटी रैप्टर बोला था, पर ये वेंटो रैप्टर होता है। और यहाँ पे देखो ये थोड़े से बुक्स है, और यहाँ पे देखो पूरी इंचेंटमेंट बुक्स, ये सारे बुक्स मैंने विलेज में से ही लूटी है, और इसको इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे रखा है। देखो ये ओक क्रेट होता है, इसके अंदर हम सामान रख के इसको मैं कैरी कर सकता हूँ। तो ये हमारी इन्वेंट्री में रहता है, और इसके अंदर हम सामान भी स्टोर कर सकता है, तो ये बढ़िया चीज़ है। ये मुझे वैसे विलेज के अंदर ही मिला था, जो विलेज में मैं रह रहा था उसी विलेज में से ही मिला था। और अभी अभी मैंने एक जो पर्पल आग जली होती है, ऐसे जो मूव्स होते हैं उनको मारा था, तो उनसे मुझे 25 XP मिला था, तो मैंने स्टोर करके रख लिया। तो अभी मुझे एक काम करना है, ये टेबल के लिए बिल्डिंग 8 चाहिए, तो मैं बिल्डिंग में बढ़ा लेता हूँ, 8 10 कर लेते हैं, और अभी इसको 12 कर लेते हैं अटैक को, एजिलिटी को भी बढ़ा लेते हैं, ये शायद मैं किसी को नहीं बढ़ा पाऊँगा। ओके, तो देखो इसमें से मुझे ये आई ऑफ एंडर मिली थी, और थोड़ी सी सोल सैंड भी मिली थी, ये रही, ये मुझे इससे मिली थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे मैंने जो क्रिएचर ढूंढे, ये देखो इसको मारने के बाद मिलती है। उसके बीच मैंने काफ़ी सारे क्रिएचर को देखा भी, और उनसे मार भी खाया, और हाँ वो जो मैंने अभी आपको XP की बात बताई उससे मुझे ये एक हार्ट क्रिस्टल मिला है, तो इससे मैं एक और हार्ट बढ़ा लेता हूँ, तो हमारा एक और हार्ट बढ़ जाएगा जिसके लिए XP चाहिए होंगे। ओके, तो एक हार्ट और बढ़ गया। तो अभी मैं वापस उसी टावर में जाने वाला हूँ जो पिछली बार हमने उस विलेज में देखा था। अभी मैं ये सोल गेजर बना लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक डायमंड चाहिए, और थोड़े से बोन्स। ओके, ये आ गया सोल गेजर, और ये बड़े काम की चीज़ है क्योंकि इससे हम नॉलेज पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी मूव्स को अगर हमें टेम करना है जल्दी से, तो इसके लिए हमें नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा उसका, फिर ही हम उसको टेम कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो आरजेस ढूंढना है, उसका नॉलेज इकट्ठा करना है फिर। तो देखो ये 100 हो गया, अभी मुझे थोड़ी ही
इस ये जब तक चार्ज होता है तब तक मुझे वेट करना होगा, फिर मैं फिर से ये इकट्ठा कर सकता हूँ नॉलेज। और देखो यहाँ पे मैंने इन साइलेक्स को टेम किया हुआ है, टेम नहीं बोल सकते, उनको मैंने ब्रीड करवाया है, क्योंकि एवेंट को टेम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है और इसी से ही एवेंट ट्रेट बनती है। और वैसे ये कोल खाते हैं तो कोल से ये ब्रीड हो जाते हैं। ओके, तो ये रहा वो विलेज जहाँ पे मैं पिछली बार मरा था। एक और मैंने गलती की थी पिछले एपिसोड में, मैं वहाँ पे गया था जो इसके पहले वाला जो टावर मिला था उसके अंदर मैंने लूटा ही नहीं था, मैंने सारे टावर को रेड किया और उनमें से किसी भी चेस्ट को चेक ही नहीं किया था। तो आज वो वहाँ पे भी जाएंगे हम, तो पहले वहाँ पे ही चलते हैं। और अच्छा है मैं टॉर्चेस लेके आया हूँ। ओके देखो यहाँ पे तो शायद कुछ नहीं है, यहाँ से नीचे जाते हैं। देखो कितने सारे लूट है, इसको मैं लूटना भी भूल गया था। और ये क्या है, ये कोई टूल बेल्ट है, रख लो जो मिल रहा है। यार इसके अंदर लॉक लगा हुआ है, इसके नीचे वाले में भी लॉक है। हम वापस चलते हैं उस बेस पे और वहाँ पे जो टावर है उसको रेड करने का ट्राई करते हैं। तो देखो ये नीचे का तो क्लियर हो चुका है, यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, तो भी मैं इसी तरफ से ऊपर जाऊँगा। यार सोच रहा हूँ स्पाइडर वाले को तो मैं तोड़ ही देता हूँ। ओके इसके अंदर शार्पनेस 5 है, निकाल लो जो मिले उसको निकाल लो। सच में यार ये होपलेस कर लेते हैं मैं। और हाँ एक और चीज़ थी, देखो यहाँ पे एक और होता है इसके अंदर भी हमें एक्सपी लगाना होता है, तो इसके अंदर तो मैं नहीं लगा सकता शायद। क्राफ्टिंग, मैंने वैसे माइनिंग या क्राफ्टिंग को चूज़ किया था। ओके एक और बैग मिला, डायमंड्स और ये सारी चीज़ें। ओके अभी सारे ज़ॉम्बी और वो सारी चीज़ें आ रही है। ओके एक तेजी वाला आया है, ओके मैंने उसको मार दिया। देख रहे हो भाई एक्सपे, देख रहे हो उसने 6 हार्ट क्रिस्टल ड्रॉप किए जो कि काफी ज्यादा होते हैं। पहले सबसे पहले एक काम करता है, यहाँ से एक्सपी को लगा देता है, गैदरिंग और फार्मिंग को कर देता है 10, एजिलिटी को भी 10 कर लिया। ओके सो ये तो 10 10 हो गए, अभी इन दोनों को 10 करना है, फिर 12 कर देंगे। एक और आ गया स्केलेटन, इसको मारने के बाद फिर से मिल गई एक्सपी और ये हार्ट क्रिस्टल ड्रॉप करता है। ओके तो अभी एक्सपी फिर से लगा देता है, इसको नहीं अभी पहले इन सबको 12 पे 12 कर लेता है, 10 10 हो गए। अभी मैं डिफेंस बढ़ाऊंगा, ओके
अरे यार, इसने मेरा वेपन ड्रॉप कर लिया। यार मेरा वेपन ले गया वो, और एक और हार्ट बढ़ गया मेरा, तीन हाथ हार्ट हो गए। इसको भी इसके अंदर रख देते हैं वापस। ओके तो अभी यहाँ से ऊपर चलता है। ओके ये लॉक है। ओके डायमंड स्वॉर्ड है इसके अंदर, आयरन, लेदर, गोल्डन एप्पल, फिश, और ये पता नहीं क्राफ्टिंग रून मिला है, इसको उठा लेता है। ओके 18 XP हो गए। शायद अभी सिर्फ 2 ही ब्लॉक बचे हैं, तो अभी मुझे नीचे ही जाना होगा, क्योंकि अभी इस कोलम को मारने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। ये रहा आयरन का लॉन्ग बो, इसको बनाना है मुझे। ओके एक अचीवमेंट कंप्लीट हुआ, सही है। और वैसे लॉक पिक ले जाता, पर अभी पूरा टावर टूटने ही वाला है अगर मैं इसको तोड़ पाए तो। ओके अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए, तो चलते उस टावर को ले, हमको थोड़ा सा मज़ा चखा के आता है। पहले वुड लगा के चलते हैं ऊपर, जितना ऊपर जा सके। पता नहीं वो देख कैसे सकता है इतने दूर, नहीं देखना चाहिए ना, इतनी भी लिमिट नहीं होती। अरे भाई अब वो पूरी जगह पे मारेगा। अरे भाई और मैं यहाँ कैसे आ गया? देखो इस बार तो मैंने अच्छे से किया है, जोक भी किया है। उसने बैग तोड़ दिया और बैग में सामान था। देखो इसने फिर से क्लॉ ड्रॉप किया। अरे ये कहां से आ गया? ओके उसको डैमेज मिल रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा शायद, तो मैं उसको मार सकता हूँ। नाइस
मार दिया फाइनली, और मैं भी मर गया। बहुत बढ़िया, फाइनली आखिरकार इतनी ज़्यादा तबाही के बाद गोलेम को मैंने मार दिया। ओके शायद ये ब्रेक हो जाएगा। ओके टूट गया, और अभी मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा क्योंकि वो लूट डिस्पॉन हो सकती है। तो मैं यहाँ पे मरा था, निकाल लेता है सारी चीज़ें। काफ़ी जल्दी मर गया वैसे ये, और अभी इनकी लूट देखते हैं। हाँ लूट तो है, देखो डायमंड दिख रहा है, ये तो इसकी लूट है। अभी तो मेन लूट ऊपर होगी। इतनी मशक्कत के बाद इसको मारा फिर भी उसकी लूट नहीं मिली, या फिर शायद उसने अपना चेस्ट पहले से ही तोड़ दिया था। ओके तो देखो ये एक डेजर्ट के पास वाला विलेज है। मैं पहले एक काम करता हूँ, इसके अंदर ये सारा सामान डाल देता हूँ। ओके तो यहाँ पे देखो मुझे एक मरा हुआ ड्रैगन मिला है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो वो रहा, ये देख रहे हो, तो यहाँ पे एक मरा हुआ ड्रैगन है, तो इसको मैं ले सकता हूँ। और इसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि ये रेयर चीज़ है, और हमें ड्रैगन बोन्स मिल जाएगी जो कि एक अच्छी बात है। ओके अब इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके तो हमें ड्रैगन बोन्स मिल गए, और ये लेवल स्टेज 5 का ड्रैगन था भाई। इसका जो हेड है बहुत रेयर होता है, और अभी मैं नहीं जा सकता अपने विलेज में।